अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूँ राबे अली। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी माफिया। जी नाज़रीन, आप सब लोग परेशान होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। नाज़रीन, हर मुल्क का अपना एक सिस्टम होता है और हर मुल्क को चलाने के लिए सरकारी अफसरान भी होते हैं जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। इसी तरह स्टेट की मशीनरी को चलाने के लिए इदारे होते हैं और इन इदारों में काम करने वाले आला अफसरान को ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। तो गोया ये ब्यूरोक्रेट्स मुल्क के मुलाजिम होते हैं। लेकिन आज नाज़रीन, मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहती हूँ। हर हुकूमत के अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें हैं, PPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इन दोनों जमातों को अपने अपने मंजूर नज़र ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो इनकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनकी मदद करते हैं। पर यह बात इतनी आसान नहीं है जितनी मैंने यहाँ कह दी। जी नाज़रीन, ये ब्यूरोक्रेट्स कोई भी हकूमती पॉलिसी हो जो कि कौम के मफाद में ना भी हो तो ये इसे सिस्टम से अप्रूव करवा लेते हैं और किसी ना किसी तरह सिस्टम और रूल ऑफ लॉ के लूप होल्स को एक्सप्लॉयट कर देते हैं। मैं यहाँ ये कहूँगी कि सारी उंगलियाँ बराबर नहीं होती, पर पाकिस्तान में अक्सरियत का यही हाल है। हकूमत की कोई भी पॉलिसी हो तो ये ब्यूरोक्रेट्स जी हजूरी करते हुए इसमें अपना किरदार निभाते हैं, फिर बेशक वो पॉलिसी मुल्क और कौम के लिए फ़ायदेमंद हो या फिर नहीं। फिर हकूमत इनको इनकी जी हजूरी के लिए ओवर द टर्न प्रमोशंस, प्लॉट्स और बेशुमार कीमती इनामातों से नवाजती है। अमूमन तो ये होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक प्रोजेक्ट्स को आवाम की ज़रूरतों के मुताबिक इनलाइन करना चाहिए, ना कि हकूमती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए। ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में कोई पॉलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त ना करें और मेरिट्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स की एलोकेशन करें और इसके साथ साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को यकीनी बनाएं। मगर होता इसके बरक्स है। नाज़रीन, अगर पिछले 10 सालों का मुवाजना करें तो हम देखते हैं कि PPP और मुस्लिम लीग नून की हकूमतों में ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स आए हैं जिन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम उठाए जिससे मुल्क कौम के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, इन हकूमतों ने अपने अपने टेन्योर्स में अपने अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स को कई पोजीशंस दी और जो इनके अगेंस्ट जाते ये उनका तबादला सिंध में जाम शुरू जैसे इलाके में करवा के अपनी ताकत का बोलबाला करते। नाज़रीन, लेकिन ये कानून कुदरत है कि हर चीज़ का अरूज आता है तो उसका जवाल भी आता है। क्या ये ब्यूरोक्रेट्स जो कौम और मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करते थे ये भूल गए थे कि इनकी भी पकड़ हो सकती है? या फिर ये लोग ये सोच बैठे थे कि बीइंग एज अ 21st and 22nd ग्रेड ऑफिसर ये कानून से बालातर हैं? जी नाज़रीन, मेरा इशारा अभी हाल ही में गिरफ्तार होने वाले सिविल सर्वेंट अहद चीमा की तरफ है। नाज़रीन, पाकिस्तान के 70 साल की तारीख में ये माजरा पहली बार देखने में आया है कि एक सिविल सर्वेंट की गिरफ्तारी पर हकूमत की तरफ से इंतहाई वावेला मचाया गया। अहद चीमा, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्स डायरेक्टर जनरल थे, इन्हें नैब ने संगीन इल्जामात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी गोया पंजाब हकूमत और पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के लिए इतनी तकलीफ दे थी कि इन्होंने नैब के खिलाफ पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें लिखा था कि अहद चीमा की गिरफ्तारी गैर महजबाना, गैर कानूनी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इस रेजोल्यूशन को लॉ मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब ने बहुत सराहा और सिविल सर्वेंट की कम्युनिटी से माफ़ी भी मांगी और दो टुक अल्फाज में कहा कि नैब का ये तरीका सिविल सर्वेंट्स के साथ बिल्कुल ही गैर इंसानी है। मैं यहाँ राणा सनाउल्लाह साहब से एक सवाल पूछती हूँ कि मॉरल टाउन में बीच सड़क पर फायरिंग से जाम बहक होने वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वहाँ इंसानी हकूक की धज्जियाँ नहीं उड़ाई गईं? और मैं लॉ मिनिस्टर साहब को ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अहद चीमा की गिरफ्तारी लॉ ऑफ द स्टेट के अंडर की गई है जिसमें कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं की गई। नाज़रीन, अभी कहानी ख़त्म नहीं होती। मैं आपको यहाँ ये भी बताती चलूँ कि अहद चीमा की गिरफ्तारी पर पंजाब के सिविल सर्वेंट्स ने पेन डाउन स्ट्राइक भी कर दी। इनका कहना था कि वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक अहद चीमा साहब को छोड़ ना दिया जाए। इनकी ये मीटिंग पंजाब हाउस में हुई। नाज़रीन, मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है कि ये सिविल सर्वेंट्स आखिर किसकी ज़बान बोल रहे हैं।
मैं गलत नहीं हूंगी अगर मैं ये कहूं कि ये रस्म जो इन्होंने कायम की है, ये स्टेट से बगावत के जुमरे में आती है और ये रस्म बगैर किसी पॉलिटिकल बैकिंग के कायम नहीं हो सकती। आह, चीमा साहब की गिरफ्तारी तो ऐसी ही है जैसे मुस्लिम लीग नून की शहरक दब गई हो। जी नाजरीन, मैंने ये इसलिए कहा कि इस मुल्क की इज्जत माप जनाब प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं, नैप को सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है क्योंकि इसे एक मिलिट्री डिक्टेटर ने अपने फ़ायदे के लिए इसलिए बनाया था ताकि वो पॉलिटिशन से हिसाब ले सके। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, मान लिया कि नैप को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मगर नैप को रिफॉर्म्स की ज़रूरत आज 10 साल बाद क्यों पड़ी? मेरी सोच ये सोचने पर बार बार मजबूर हो जाती है कि आखिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को गए हुए तो 10 साल गुजर चुके हैं, तो फिर नैप को आह चीमा की गिरफ्तारी के बाद ही रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आवाम से ये बात छुपी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप LNG के केस में नैप के अंडर $220 बिलियन की करप्शन में प्राइम सस्पेक्ट थे, मगर वो इंक्वायरी सिर्फ इसलिए बंद कर दी गई कि नैप के कुछ आला अफसरान का कहना है कि LNG का प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यूटी फेस में है, लिहाजा इसको अभी ना छेड़ा जाए? जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये फैसला December 2016 में आया था। आखिर इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने ये क्यों नहीं कहा कि नैप को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? मैं यहाँ मुखातिब करके कहना चाहती हूँ तमाम लीडरान को कि अब आवाम आप सबको जान भी चुकी है और आपको परख भी चुकी है, अब आप लोगों का मंजन यहाँ बिकने वाला नहीं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो एक और एंगल पर भी डालना चाहती हूँ और वो ये है कि आह चीमा की गिरफ्तारी पर जिस तरीके का रवैया मुस्लिम लीग नून ने इख्तियार किया और आह चीमा साहब को डिफेंड करने के लिए फ्रंट फुट पर आ गए, यहाँ मेरा मानना है कि अगर आह चीमा के खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो वो बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। पर जो रवायात का पिंडाल इस लीडरशिप ने लगाया है, इससे पूरी ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स को इसी कैटेगरी में डाल दिया है जिसमें आवाम इन पॉलिटिशियंस को रखती है। मुझे यहाँ कायद आज़म की वो विजनरी लाइन याद आती है जो इन्होंने पहली दफ़ा सिविल सर्वेंट्स को मुखातिब करते हुए कहा था, एंड दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट यू शुड नेवर बी इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी पोलिटिकल प्रेशर, बाई एनी पोलिटिकल पार्टी और बाई एनी इंडिविजुअल पॉलिटिशन। If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall victim to any pressure but do your duty as servants of the people and the state, fearlessly and honestly. नाज़रीन, ये होते हैं असल विजनरी लीडर्स। कितने कमाल से इन्होंने ये कह दिया कि तुम पर किसी सियासी फर्द या फिर सियासी पार्टी या ग्रुप का दबाव नहीं होना चाहिए। कि आज की सियासी एलीट इन सिविल सर्वेंट्स पर दबाव नहीं है? बाबाए कौम को ये बात पहले से ही मालूम थी, इसलिए वो पहले खिताब में ही इनको वार्न कर गए थे। आज ये ब्यूरोक्रेट्स की सिलेक्शन में नेपोटिज्म कौम और मुल्क की डेवलपमेंट को नुकसान दे रही है। नाज़रीन, पहले मिनिस्ट्रीज बिकती थी और अपने पसंदीदा लोगों को आला ओहदे दिए जाते थे, लेकिन अब तो ब्यूरोक्रेट्स में भी ये तमाशा देखने में आता है। मैं आखिरी बात करके अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पज़ीर करूँगी कि इस हकूमत ने जो नुकसान इस मुल्क को देना था वो तो दे दिया, मगर एक ऐसी रस्म ये कायम करके जा रहे हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत का गला घोंट देगी। जी नाज़रीन, आप चौंक गए होंगे ये सुन के, मैं इदारों में तकरार की रस्म कायम करने की बात कर रही हूँ। अब ज़रा आप ख़ुद सोचें कि ये तकरार कब शुरू हुई, किसने शुरू की और ये कितनी भयानक हो सकती है। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर नेशनल अफेयर्स। अल्लाह हाफिज़।